हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। आज हम जानेंगे कि किस राइटर ने उनके बारे में क्या कहा है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन बट अ वेंडरिंग स्पिरिट विथ स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम। सो ये किसने कहा? ए पी वी शैले, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी जॉन क्राउरेंसन एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए पी वी शैले। सिंपल एंड डल, अगेन ए पी वी शैली, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी जॉन क्रोरेंसम एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए पी वी शैली। सो पी वी शैली ने क्या बताया है? वेंडरिंग स्प्रिट बताया है, सिंपल और डल बताया है, और इसी के साथ उन्होंने मॉरल इंचबिन को बोला है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेड अबाउट ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। ये किसने बोला है? ए पी वी शैली, बी लॉर्ड टेनिसन, सी राल्फ वाल्डो एमर्सन एंड डी जॉन कीट्स। सो राइट आंसर इज सी राल्फ वाल्डो एमर्सन। वाल्ड एमर्सन ने ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोरैलिटी को क्या बोला है? द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। सो ए रॉबर्ट ब्राउनिंग, बी लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, सी जॉन कीट्स एंड डी एस टी कॉलरिज। सो राइट आंसर इज बी लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। सो उनके अनुसार वो कुछ भी साधारण नहीं लिखते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द जाइंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सो इंग्लिश पोइट्री का जाइंट किसके द्वारा उन्हें बोला गया है? ए जॉन कीट्स, बी एस टी कॉलरिज, सी जॉन क्रोरेंसम एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी जॉन क्रोरेंसम। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मॉरल कंसोलेशन। ए कॉम्पटन रिकेट, बी जॉन कीट्स, सी मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए कॉम्पटन रिकेट। नेक्स्ट इज, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन ईगोइस्ट। किसके द्वारा उन्हें ईगोइस्ट बताया गया है? ए जॉन कीट्स, बी एस टी कॉलरिज, सी मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए जॉन कीट। जॉन कीट ने उन्हें क्या बताया? ईगोइस्ट बताया है, और इसी के साथ उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को ईगोइस्टिकल सब्लाइम भी बोला है। नेक्स्ट इज, वर्ड्सवर्थ वॉज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। ए जॉन कीट्स, बी एस टी कॉलरिज, सी मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी एस टी कॉलरिज। एस टी कॉलरिज ने क्या उन्हें बुलाया है? एवर एंड्यूरिंग मैन। नेक्स्ट इज, वन ऑफ द चीफ ग्लोरी इज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। किसके द्वारा उन्हें चीफ ग्लोरी बुलाया गया है? ए जॉन कीट्स, बी एस टी कॉलरिज, सी मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी मैथ्यू आर्नल्ड। हु सेड अबाउट हिज द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड के बारे में किसने यह बोला है कि द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि इंग्लिश लिटरेचर का क्या है? मैग्ना कार्टा है। ए जॉन कीट्स, बी एस टी कॉलरिज, सी मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने उनके वर्क प्रिल्यूड को क्या बोला है? द मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट इज, नो प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी टू हिज ओन पोएम। कि वो अपनी थ्योरी को ही अपनी पोएम में प्रैक्टिस नहीं करते थे। किसके द्वारा बोला गया है? ए मैथ्यू आर्नल्ड, बी टी एस एलियट, सी जे एस मिल एंड डी एडलस हग्सली। सो राइट आंसर इज बी टी एस एलियट। टी एस एलियट के द्वारा बोला गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेरी कल्चर ऑफ फीलिंग। ए जे एस मिल, बी विलियम हैजलेट, सी एल्डर्स हग्सली एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए जे एस मिल। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वॉज नॉट अ ट्रूली ग्रेट पोएट बट द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ दिस डिसअपॉइंटमेंट। तो किसने उन्होंने स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोला है? ए जॉन कीट्स, बी एस टी कॉलरिज, सी मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज डी नन। इनमें से किसी ने भी नहीं बोला है। सो राइट आंसर है विलियम हैजलेट। विलियम हैजलेट के द्वारा उनको स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोला गया है। नाउ नेक्स्ट इज, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। किसके द्वारा उन्हें नेचर का हाई प्रीस्ट बोला है? ए जॉन कीट, बी एस टी कॉलरिज, सी मैथ्यू आर्नल्ड, डी क्विंसी। सो राइट आंसर इज डी क्विंसी। नेक्स्ट, पोएट ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का पोएट, ए डी क्विंसी, बी जॉन कीबल, सी थॉमस हार्डी एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी जॉन कीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ रियल मिस्टीक ऑफ नेचर। कि वो क्या थे? रियल मिस्टीक थे। ए जॉन कीट्स, बी एच डब्ल्यू गैरेट एंड सी मैथ्यू आर्नल्ड, डी नन। सो राइट आंसर इज बी एच डब्ल्यू गैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ पोएट ऑफ मैन एंड नेचर। सो उन्हें पोएट ऑफ मैन और नेचर किसके द्वारा बोला गया है? ए एस ए ब्रूक, बी रॉबर्ट बर्न, सी मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज ए एस ए ब्रूक। इन्हीं के द्वारा जो है उनको पोएट ऑफ मैन भी बोला गया है। नाउ नेक्स्ट इज,
वर्ड्सवर्थ रोट हिज पोएट्री विद अ व्यू टू शोइंग दैट मैन हु डू नॉट वेयर फाइन क्लोथ्स मे फील हैप्पी, कि अगर कोई इंसान अच्छे कपड़े ना भी पहने तो भी वो क्या फील कर सकता है, हैप्पी। ए एस ए ब्रूक, बी रॉबर्ट बर्न, सी मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज एस ए ब्रूक। जहाँ भी मैन की बात की जाए वहाँ कौन आएंगे, एस ए ब्रूक। नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स मे बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन और हम्बल ट्रूथ। ए एस ए ब्रूक, बी रॉबर्ट बर्न, सी मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी रॉबर्ट बर्न्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विलियम वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज एवर प्रोड्यूस्ड। ए एस ए ब्रूक, बी रॉबर्ट बर्न, सी विलियम जे लॉन्ग एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी विलियम जे लॉन्ग। एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, आई विश ईदर टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग, कि हर एक ग्रेट पोएट क्या होता है, एक टीचर होता है, और मैं एक टीचर कहलाना पसंद करूँगा या फिर कुछ भी नहीं। ए एस ए ब्रूक, बी रॉबर्ट वर्ड, सी मैथ्यू आर्नल्ड एंड डी वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर इज डी वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने अपने एक लेटर में ये लाइन बोली है। नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ इज द ओनली पोएट हु विल बियर रीडिंग इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। ए लेजली स्टीफन, बी रॉबर्ट बर्न, सी विलियम ब्लेक एंड डी नन। सो ये लाइन बोली गई है ए लेजली स्टीफन के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रूथ डेट वेक टू पेरिश नेवर। ए थॉमस कार्लिल, बी एमिली लेग्विस, सी ए सी ब्रेडले, बी नन। सो राइट आंसर इज ए थॉमस कार्लिल। नेक्स्ट इज अ सन ऑफ रसो, इन्हें किसके द्वारा सन ऑफ रसो बोला गया है। ए थॉमस कार्लिल, बी एमिली लिगस, सी ए सी ब्रेडली एंड डी नन। सो राइट आंसर इज बी एमिली लिगस। सो ये जो इनकी पूरी स्टेटमेंट थी वो थी कि वर्ड्सवर्थ मस्ट बी प्लेस बाय द हिस्टोरियन अमंग द न्यूमरस सन ऑफ रसियो हु फॉर्म द मेन बटालियन ऑफ रोमेंटिज्म। नाउ नेक्स्ट इज देयर हैव बीन ग्रेटर पोएट्स दैन वर्ड्सवर्थ बट नन मोर ओरिजिनल, कि बहुत बड़े बड़े पोएट्स हैं लेकिन कोई भी उनकी तरह ओरिजिनल नहीं था। ए थॉमस कार्लिल, बी एमिली लिगस, सी ए सी ब्रेडले एंड डी नन। सो राइट आंसर इज सी ए सी ब्रेडले। सो राइट, दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।